वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। व्हाट इज आवर लेसन नेम? नेचुरल फ्लायर्स। वी हैव लर्न अबाउट विंग्स एंड अबाउट फेदर्स। इज ऑन मिस्टर प्रेसी। मिस्टर प्रेसी हैज डिस्क्राइब्ड दैट वन। मिस्टर प्रेसी इज अ पैरा, इज अ टीचर। इज ऑन कुकू हैज देयर स्टूडेंट्स। नाउ कुकू आर गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस। हमने विंग्स के बारे में पढ़ा था, फेदर्स के बारे में पढ़ा था, आज हम सीखेंगे बिग्स के बारे में। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि मिस्टर पर्सी जो पैरट है वो एक टीचर है, वो क्या टीचर कुकू को बोलता है और कुकू की जो कुछ सवाल है उसे कुछ समझ में आ रहा तो कुकू उसको पूछता है। क्या पूछता है देखते हैं। चलो ठीक है। विंग्स, विंग्स वेयर इज अटैच्ड? विंग्स आर अटैच्ड टू देयर चेस्ट। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ विंग्स? फॉर फ्लाइट। And what is the use of the feathers? Feathers का use क्या है? Feather किस कौन से प्रकार के feathers है? There are the three types of the feathers: counter feathers, down feathers and flight feathers. Counter feathers जो होते हैं वो उड़ने के लिए काम को आते हैं, ठीक है ना? आते हैं ना? They are giving the shapes to their body. बहुत ऐसे लंबे होते हैं, ऐसे they are giving the shapes to their bodies. And they are coverings all the wings. Even down feathers, they are under to their the काउंटर फेदर्स। जो डाउन फेदर होते फेदर होते हैं वो काउंटर फेदर के नीचे होते हैं, जो उनके बॉडी को वार्म करते हैं, मतलब गर्म करते हैं। और फ्लाइट फेदर्स क्या होते हैं उसको तो आपको मालूम है, वो हवा क्या उसको हवा में उड़ते रहते हैं उसके, ठीक है। तो ठीक है, आगे देखेंगे काउंटर फेदर्स क्या है। वो स्मॉल फेदर विच कवर देयर ऑल द विंग्स। काउंटर फेदर क्या होते हैं? इट इज द स्मॉल विंग्स एंड इट्स कवर द ऑल देयर विंग्स। डाउन फेदर क्या होते हैं? काउंटर फेदर के नीचे जो फेदर होते हैं उसको काउंटर फेदर बोलते हैं। और फ्लाइट फेदर्स जो उड़ने में काम आते हैं। तो आज सीखेंगे हम मिस्टर प्रेसी क्या कहते हैं। सी व्हाइल मिस्टर प्रेसी वॉज एक्सप्लेनिंग अबाउट द विंग्स एंड द फेदर्स, द यंग वंस वर बिजी लुकिंग एट देयर ओन फेदर्स एंड विंग्स। जब मिस्टर प्रेसी विंग्स के बारे में और फेदर्स के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे थे तब सभी बर्ड्स क्या कर रहे थे? अपने अपने विंग्स और अपने अपने फेदर्स देख रहे थे। बट लिटिल कुकू वॉज वंडरिंग अबाउट समथिंग। बट कुकू वॉज वंडरिंग समथिंग, ही वॉज आस्किंग सम क्वेश्चन इन हिज माइंड। देन मिस्टर प्रेसी हैज सेड, कुकू जो था उसके मन में कुछ सवाल थे, वो कुछ सोच रहा था और मिस्टर प्रेसी ने देखा उसको पूछा। क्या पूछा देखिए। मिस्टर प्रेसी स्पॉटेड द क्वाइट लिटिल कुकू एंड आस्क्ड, व्हाट आर यू थिंकिंग माय लिटिल वन। और मिस्टर प्रेसी ने उसको पूछा कि कुकू आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। कुकू शायली रिप्लाइड। कुकू शायली बहुत शर्माकर, कुकू जो बहुत शर्माकर उसने रिप्लाई दिया। क्या दिया? सर आई सॉ, सर आई सॉ अन पिजन। जो पिजन होती है ना, पिजन कबूतर बोलते हैं, पिजन है ना, अंट पिजन कवरिंग हर एग्स विथ हर विंग्स। सर मैंने देखा है जो अंट पिजन है वो अपने अंडों को, मुर्गी भी आपने देखा है ना, वो अपने अंडों को ऐसे समेट कर अपने विंग्स में समेट कर बैठ जाती है, ठीक है। आई मीन फेदर्स, वो अपने पंखों में ऐसे सिमट कर बैठ जाती है। वॉज सी गिविंग वार्म्थ टू देयर एग्स, क्या वो अपने एग्स को अंडे को गर्मी देती है। टीचर्स खुश हो गया और उसने बोला कि बहुत खुश हो गया, बोले वाओ वेरी गुड कुकू, आपने तो बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन किया। उसने बताया यस आई फॉरगॉट टू मीन दैट ऑल बर्ड्स आल्सो यूज देयर फेदर्स टू गिव वार्म टू देयर एग्स। और मिस्टर प्रेसी ने बोला कि अब यार मैं भूल ही गया आपको बताना कि सभी पक्षी जो होते हैं बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पंखों को ऐसे समेट कर लेते हैं, अपने अंडों को गर्मी देते रहते हैं, अपने अंडे को क्या करते हैं गर्मी देते हैं। ऑल द यंग वंस टर्न एंड स्माइल एट कुकू, कुकू वॉज हैप्पी एंड एक्साइटेड। सो ऑल द बर्ड्स दे वर लुकिंग टू द कुकू, सब कुकू को देखने लगे ऐसे, और कुकू बहुत मतलब उसको बहुत अच्छा लगा। यस ही फील प्राउड, उसको बहुत अच्छा लगा। अगर हम क्लास में कुछ सवाल पूछते हैं टीचर को तो सभी बच्चे आपको देखते हैं, अरे यार ये तो बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है यार, तो आपको कैसे प्राउड फील होता है। यस आई नो बेटर देन देम, आपको लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। वेयर ऑल्सो
See, he tried to answer each and every question after that, not giving his other friends in the class the opportunity to speak. He tried to answer each and every question. वो सभी के questions, जो पर्सन सभी के questions और answers को जवाब दे रहा था कि उनको क्या अगर सवाल आ गए जवाब भी आ जाएगा है कि नहीं. Mr. Percy knew that if Coco kept on answering all the questions, the other students may feel left out. He instructed Coco to give others a chance, wait for his turn to answer or answers only when he asked. Then teachers, Mr. Percy said, Coco, you have to ask questions. You have to give the chance to the others also. Do you don't ask the questions? Coco को उन्होंने समझाया कि Coco, आप सभी क्वेश्चंस मत पूछो, दूसरों को भी चांस दे दो, दूसरों को भी सोचने का मौका दे दो उनको, नहीं तो क्या हो जाएगा, सभी पक्षी उड़कर चले जाएंगे. अगर एक पक्षी चू 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 करता रहेगा तो दूसरे क्या करेंगे, दूसरे तो चले जाएंगे. सबको चांस मिलना चाहिए. हम भी है ना क्लास में, हम भी आपको बोलते हैं, अगर एक ही स्टूडेंट बोलता रहेगा तो हम भी आपको बोलते हैं अरे यार तू चुप बैठ जाना, दूसरों को भी पूछने का मौका दे, तू भी पूछ, मतलब सबको हम बोलने का मौका देते हैं क्योंकि nobody feels in a bore class. किसी को बोर नहीं लगना चाहिए. अदरवाइज इफ आई विल फील बोर आई विल नॉट टीच प्रॉपरली. अगर मुझे बोर मैं वो बोरिंग हो गया तो मुझे क्या हो जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं है क्या. नहीं, अगर आपको बोरिंग लगा तो आप भी कुछ नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, आप क्लासरूम से बाहर जाओगे, बोले कि सर आई हैव टू गो फॉर बाथरूम एंड आप उधर ही जाओगे और बैठ जाओगे है क्या. नहीं तो वैसा ही होगा. लेकिन इसलिए मिस्टर पर्सी ने बोला कि आप सवाल मत पूछो, दूसरों को भी मौका दे दो ठीक है. देन मिस्टर पर्सी कंटिन्यूज लाइक अदर एनिमल्स वी बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. तो मिस्टर पर्सी ने बोला कि जो दूसरे एनिमल्स है उनको टीथ होते हैं, टीथ, लेकिन हमें टीथ नहीं. बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, बर्ड्स को टीथ नहीं रहते, लेकिन तो भी बर्ड्स को क्या रहता है, दे हैव बीक्स, उनको चोच रहती है. बट हैव बीक्स विच आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन कैचिंग एंड ईटिंग फूड, सो लेट अस स्टडी. लेकिन उनको क्या होते हैं, बीक्स होते हैं. चलो बीक्स के बारे में सोचते हैं आगे और कैसे बीक्स होते हैं देखते हैं. बीक्स यूज देयर, बर्ड्स यूज देयर बीक्स फॉर गैदरिंग फूड, ईटिंग, फीडिंग देयर यंग वंस, प्रीनिंग, ड्रिंकिंग वाटर, कलेक्टिंग मटेरियल फॉर नेस्ट, अटैकिंग देयर एनिमीज एंड ग्रूमिंग. तो बीक्स का उपयोग क्या है, बहुत सारे, वो खाना खाते हैं, अपना घर बनाते हैं, दूसरे एनिमल्स के ऊपर हमला करते हैं, क्या नहीं, अपना घर खुद बनाते हैं. आपने देखा है ना, बर्ड्स कैन डू देयर नेस्ट बाय देयर सेल्फ, कोई मदद के लिए नहीं आता. अगर हमें अपना घर बनाना होता है, बनाना पड़ता है, तो हम दूसरों को बुलाते हैं, आओ हमारा घर बांध के दे दो, जो कंस्ट्रक्शन होता है क्या नहीं. लेकिन पक्षी किसी को नहीं बुलाता, पक्षी बोलता है चलो खुद का घर खुद बना लेते, सिर्फ उनके पास चोच होती है. However, since birds have no teeth, the shape of their beaks depend on the types of food they eat. In fact, the shape of the beaks is used to divide birds into different groups. लेकिन उनकी जो beaks होती है different होती है. Some birds have beaks like this. Yes, they can. Or some birds have beaks like this. Have you observed like that? Beaks they have. जैसे हम, जैसे कि parrot, parrot की beaks ऐसी होती है. अपने स्पैरो की, पिजन की, हेन की बीक्स ऐसी होती है, ईगल की तो ऐसी होती है पूरी ऐसी, ठीक है. नहीं आपने देखा होगा ऐसे, देखिए ऐसे बीक्स होती है, बहुत ही नुकीली बीक्स होती है ठीक है ना. टाइप्स ऑफ बीक्स, ओके. क्रैकर, seed eaters such as sparrow, pigeons and robins have hard and strong short beak is characteristic of the nutcutter which is perfect for beaker opening in seed. See, जो स्पैरो होता है, पिजन होता है, स्पैरो आपने देखा है ना, स्पैरो बोले तो चिमनी और पिजन होती है, उनकी चोच ऐसी होती है जो क्या करने के लिए काम आती है, देखिए मैं बताऊ, खाना खाने के लिए काम में आती है क्या. और वो चोच कैसे होती है, इट वॉज वेरी हार्ड एंड स्ट्रांग, बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है और बहुत ही शॉर्ट होती है,
बहुत ही सिंपल छोटे होते हैं ऐसे। अगर नाक पिजन ले रखो, ये मैंने पिजन बनाता हूँ अभी, इनकी चोच ऐसे होगी, ठीक है, इतनी ही चोच होगी इनकी, है ना। चोच बहुत ही छोटी होती है लेकिन बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, बहुत ही कामयाब होती है, ठीक है। श्रेडर बर्ड्स ऑफ प्रे सच एज ईगल्स, ऑल्स, वल्चर्स एंड हॉक्स हैव शार्प एंड स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड बीक्स दैट हेल्प देयर डियर फ्लैश। They eat other small size bird as well as animals such as rabbits and lambs. और जो होते हैं ईगल और ओल, ईगल और ओल की चोच कैसे होती है, ईगल मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ईगल और हॉक्स की चोच, देखिए ईगल और चोच, ठीक है, देखिए ये हो गया अपना। I'm not a good painter, but I can do that best. ठीक है, ये होती है ईगल और चोच, ईगल की और हॉक की पिक बहुत ही स्ट्रांग होती है, जो फ्लैश दे कैन ईयर द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स एंड दे कैन ईट, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनको काट कर खा सकते हैं, ठीक है। प्रो सी प्रो नेक्टर ड्रिंकिंग बर्ड्स सच एज हमिंग बर्ड्स एंड द सनबर्ड हैव लॉन्ग प्रोबिंग बीक्स, दिस बीक्स वर्क लाइक अ स्ट्रॉ एंड रिच डीप इनटू फ्लावर्स एंड हेल्प इन स्पिनिंग नेक्टर। और जो बर्ड्स स्मॉल बर्ड्स होते हैं, बहुत ही स्मॉल बर्ड्स होते हैं ना, उनकी चोंच कैसे होती है देखो, ये देखो अपना छोटा सा पक्षी मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ छोटा सा पक्षी बना दिया, लेकिन मैंने यहाँ चोंच बनाई क्या, चोच नहीं बनाई, तो देखो चोच बना पाते हैं अभी, इनकी चोच कैसी होती है, ऐसी बड़ी होती है ऐसी, ओके, ऐसी बड़ी होती है चोच, देखिए, ठीक है। क्यों चोच ऐसी बड़ी होती है, क्योंकि दे कैन टेक द जूस फ्रॉम दैट फ्लावर्स, वो फ्लावर्स के फ्लावर्स होते हैं ना, उसके में से नेक्टर से, यह बोलते हैं इसको नेक्टर, ठीक है, उसमें से वो क्या करते हैं, जूस जो रस होता है वो चूस लेते हैं। सो देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द बीक्स, ओके। चलो आज तक हम ये स्टॉप कर देंगे क्योंकि आगे बहुत है, लेकिन कल हम फिर से बीक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तक आप क्या करो, ये लेसन पेज नंबर 20 तक पढ़ो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। मैं कल फिर आऊँगा और कल फिर मैं आपको बताऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय।